हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूनिक फंडा ऑफ बेसिक मैथ में। आज हम 10th क्लास के एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5th के दो पार्ट लेकर के आए हैं, पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 10। तो पहले पार्ट नंबर 7 को सॉल्व करते हैं, किस तरीके से करेंगे। ये दिया हुआ है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, हमको क्या लेकर के आना है सॉल्व करके, टेन थीटा। तो इसकी एलएचएस क्या है, हमारी एलएचएस है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ये हमारी एलएचएस साइड है, इससे हमको आरएचएस लेकर के आना है, टेन थीटा लेकर के आना है। तो देखो यहाँ से हमें क्या कॉमन दिख रहा है, जो दोनों में है साइन थीटा, तो हम क्या करेंगे साइन थीटा कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचेगा हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, इसी तरीके से इसमें क्या कॉमन है, कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्या है, 2 कॉस की 3 पावर है, एक पावर बाहर आ गई, तो क्या हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 1, क्योंकि कॉस थीटा क्या है बाहर आ गया। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये क्या हो जाएगा हमारा, टेन थीटा। ओके, यहां पर 1 बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इस 1 के बराबर हमको पुट करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, इसमें भी हमें 1 के इक्वल क्या पुट करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो पहले ब्रैकेट लगा देते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा ये हमारा, चलो ऊपर कर लेते हैं। तो ये टेन थीटा साइन स्क्वायर थीटा इधर है माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या आएगा हमारा, पहले हम लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, ये पॉजिटिव है तो पहले लिख लिया माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ओके, क्योंकि 2 है हमारी बड़ी डिजिट और 1 है छोटी, और बड़े डिजिट के आगे किसका साइन है, माइनस का, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, इधर आइए 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो ब्रैकेट लगाया था मैंने क्यों लगाया था, क्योंकि इसके आगे क्या था, ये माइनस था, तो ये सारे माइनस में हो जाएंगे, माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा टेन थीटा। अब ऊपर हम कुछ भी नहीं कर सकते इसके अंश में, एज इट इज कॉपी कर देते हैं। यहां क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा और इधर कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से 1 कॉस स्क्वायर थीटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, यहां पर है माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, ये है सेम है, अंश और हर सेम है, कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बचा, टेन थीटा, और यही क्या है हमारी आर एच एस। आई होप आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करते हुए समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए, ये लेकर क्या, ये हमारी एलएचएस
ले करके आएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये tan a को और cot a को sin और cos के टर्म में चेंज करते हैं। तो 1 प्लस tan स्क्वायर a क्या हो जाएगा हमारा, sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। ठीक है, मैंने डायरेक्ट कर दिया, थोड़ा बोर्ड छोटा पड़ता है तो LHS मैंने लिखी नहीं है। 1 प्लस ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर a अपॉन sin स्क्वायर a। ओके, इसे सॉल्व करते हैं। cos स्क्वायर a क्या ले रहे हैं हम, इसमें हमें अंश देखना है। cos स्क्वायर a क्या लेंगे, LCM। इसकी मल्टीप्लाई किसमें हो जाएगी, 1 में, तो ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर ए। ये इसका अंश हमारा सॉल्व हो गया। अब हर पे आते हैं, इसी तरीके से इसका एलसीएम लेंगे हम, क्या आएगा साइन स्क्वायर ए। यहाँ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ओके, अब हमने एक सर्वसमिका पढ़ी थी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर a अपॉन sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, 1 अपॉन sin स्क्वायर a। ओके, अब इस तरीके की कैलकुलेशन को सॉल्व करते समय क्या करते हैं, मिड टर्म की मल्टीप्लाई हो जाती है और एक्सटीरियर टर्म मतलब बाहरी जो टर्म होते हैं उनकी मल्टीप्लाई। तो 1 में साइन स्क्वायर ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा साइन स्क्वायर ए। ओके, कॉस स्क्वायर ए में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, टेन स्क्वायर ए। यही हमारी क्या है, आरएचएस है। तो ये आज का हमारा क्वेश्चन ये भी सॉल्व हुआ, जो हमारी एक्सरसाइज 8.4 है, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं सॉल्व करने वाले वो ज़्यादातर हमारी वीडियोस में सॉल्व किए गए हैं। एक दो कोई क्वेश्चन बचा हुआ है, यदि आपकी समझ में वो नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताना है। और आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, आई होप। यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर